गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं दीपक सर आपको आज एक नए टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है ये पहले चैप्टर का ही है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें हमने गुलाम बल्ब के विषय में आपको बताया और मैं वैद्युत क्षेत्र क्या है इसके विषय में बताया, उसी को कंटिन्यू कर मैं आपको बताऊँगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो हिंदी में हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। तो क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव, नाम से ही लग रहा है दो ध्रुव हो जिसमें, जैसे मैग्नेट में होते हैं नॉर्थ होता है साउथ होता है, ठीक वैसे ही हम आज इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक मतलब यहाँ पर दो चार्ज होंगे और दोनों चार्ज आपस में बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश, आवेश अलग अलग होगा लेकिन क्या होगा वो मात्रा में वो आपस में क्या होंगे बराबर। तो क्या डिफिनेशन यहाँ पर बनकर आती है इलेक्ट्रिक डायपोल की, वैद्युत द्विध्रुव क्या है, तो हम कह सकते हैं कि दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो जो निकाय होता है जो सिस्टम होता है उसी को ही हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। आप चित्र के माध्यम से देखिएगा, ठीक चित्र के माध्यम से यहाँ पर आप देख लीजिए, ये मैं कोई आवेश ले रहा हूँ, मान लीजिए बिंदु आवेश ही होना चाहिए, बिंदु आवेश ठीक, दो आवेश हमने ले लिया, दो बिंदु आवेश हमने ले लिया और उसके बाद हम आपस में इसको जो है ठीक पतली रेखा के द्वारा दिखा रहे हैं, ठीक तो दो बिंदु आवेश लिया गया है तो एक को हम ऐसे दिखा दे रहे हैं और इसको हम बी से दिखा दे रहे हैं, ठीक देख लिया ए से और बी से हम इसको दिखा दे रहे हैं। दूसरी चीज अब यहाँ पर ए में हम माइनस क्यू और दूसरे स्थान पर प्लस क्यू का आवेश ले लिए, तो आपने देखा कि यहाँ पर आवेश समान है दो बराबर छोटा बड़ा नहीं, इसका और इसकी जो आवेश की मात्रा है जैसे Q और Q ही है लेकिन यहाँ पर इसकी जो चार्ज है वो डिफरेंट है माइनस प्लस हो गया, दो बराबर में विपरीत प्रकार के आवेश और ये एक दूसरे से अल्प दूरी पर माने इनके बीच की जो दूरी है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ वो मान लेता हूँ 2L। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर L भी लिख सकते थे, 2L क्यों लिखा सर ने, तो इसका केवल एक ही कारण है कि हमको आगे चलकर जब हम इंडोन पोजीशन या इक्वेटोरियल लाइन वाला डेरिवेशन करते हैं अक्षीय और निरक्षीय स्थिति का डेरिवेशन करते हैं तो वहाँ पर हमको द्विध्रुव का मध्यबिंदु लेना होता है, मतलब हमको द्विध्रुव को आधा करना होता है, उसके मिड पॉइंट से हमको वैल्यू जो है नापनी पड़ती है। तो यदि हम वहाँ पर L लेंगे तो जब हम उसका हाफ करेंगे तो L बाई 2 होगा जो कि डिराइवेशन में कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा करेगा। तो यहाँ पर 2L लेने का केवल एक ही कारण है कि जब हम हाफ करें तो हमें एक वैल्यू मिल सके डिराइवेशन, बस समझ लीजिए हेल्पफुल के लिए, बस आसानी रहे हमें कोई डेरिवेशन करने का, ध्यान रखिए 2L हमने लिया है। तो अब यहाँ पर देख सकते हो कि दो बराबर आवेश हैं क्यू और क्यू और यहाँ पर चार्ज माइनस और यहाँ पर प्लस, ठीक तो दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश यदि एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो ये जो निकाय होता है इसी को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर फिगर के माध्यम से बताया गया है। कोई पूछ सकता है कि एग्जाम्पल के रूप में आप बताइए कि वैद्युत द्विध्रुव यदि निकाय है तो कौन सा एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा, तो आप देख सकते हैं उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ये सीएल हो गया, देखें यस सर या एच बी आर हो गया, एच टू हो गया, सी एच फोर हो गया तो आप देख रहे हैं जैसे ये सीएल है पी एच प्लस है सीएल माइनस एच बी आर है एच प्लस है बी आर माइनस, तो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश यहाँ पर नजर आ रहे हैं प्लस और माइनस। एनएच3 में भी है ऑक्सीडेशन नंबर से आप निकाल सकते हैं, जैसे एच का तो है यहाँ पर एक हाइड्रोजन है
तो यहां पर आप देख ही रहे हो कि कितने आवेश है हाइड्रोजन में, तीन आवेश हो गए H का प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट मान के चलते हैं। तो केमिस्ट्री में यदि हमको देखना है कि द्विध्रुव है कि नहीं तो हम कैसे मानते थे, नाइट्रोजन का हम x कर लेते हैं प्लस 3 इनटू हाइड्रोजन का 1 है इक्वल टू 0, तो x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 3। तो कहने का नाइट्रोजन का माइनस 3 तो हाइड्रोजन का प्लस 1 होता है, तो 3 हाइड्रोजन होंगे तो प्लस 3। तो कहीं ना कहीं जो भी आप यहाँ पर देख रहे हो वो आवेश की मात्रा समान है परंतु आवेश क्या है बराबर। ठीक, तो दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। एग्जाम्पल आपसे कोई पूछे ऑप्शनल क्वेश्चन में आते हैं तो आप क्या क्या बता सकते हो, एस सी एल एच बी आर एच टू एन एच थ्री सी एच फोर और एस। अब इसी में एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और आपको बताया जाएगा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल तो ठीक, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक, इलेक्ट्रिक डाइपोल इसकी डिफिनेशन बताई जाए तो किसी भी एक प्रकार के आवेश व दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ध्यान सुनिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आघूर्ण माने एक प्रकार के आवेश, तो एक प्रकार का आवेश यदि हम ले लें तो प्लस व माइनस में से कोई भी ले लेंगे क्यू, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे हम किससे दिखाते हैं पी से दिखाते हैं, पी ये पी से दिखाते हैं। आपका एक फार्मूला बन गया, क्या फार्मूला बन गया, पी इक्वल टू क्यू इंटू टू एल, या इसी को टू क्यू एल भी हम बोल सकते हैं, हम पी से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो पी इक्वल टू टू क्यू एल, ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा। कैसी राशि है ये दिशा को दिखाती है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो दिशा को दिखाती है। तो दिशा को दिखाने का मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया, तो वेक्टर क्वांटिटी हो गई जो हम इसको किससे दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं वेक्टर पी से दिखाएंगे, दिशा दिखा रहा हूँ, इसकी दिशा माइनस क्यू से लेकर प्लस क्यू की ओर, कहाँ से होती है माइनस क्यू से लेकर प्लस क्यू की ओर इसकी दिशा होती है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि, कैसी राशि है सदिश राशि। अब बात आएगी इसका मात्रक क्या है, यहाँ से देखिए यूनिट यदि हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर यूनिट यदि हम बात कर लें तो हम देखेंगे कि किस तरीके से यूनिट यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, कूलाम और यहाँ मीटर, कूलाम मीटर। देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक है वो क्या होगा, कूलाम मीटर। देखिए कूलाम आवेश का मात्रक कूलाम और दूरी का मात्रक मीटर। तो कोई भी आपसे पूछे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का क्या मात्रक है तो आप बता सकते हैं उसका मात्रक होता है कूलाम मीटर। ठीक है, फार्मूले से क्यू इंटू टू एल, फार्मूले से आप कूलाम मीटर बता सकते हैं आराम से। अच्छा डायमेंशन पूछ लीजिए, बीमा जिसे कहते हैं बीमा क्या हुआ, तो आप जानते हैं कूलाम को किससे दिखाते हैं, ध्यान से समझिए, आवेश आवेश इंटू क्यू इक्वल टू हाई टी, तो इसके हिसाब से यदि आवेश का दिखाया जाए तो एम्पियर और समय है तो सेकेंड, तो एम्पियर को ए से दिखाते हैं और ये समय है टाइम है तो डी से दिखा दिया, तो यहाँ पर हम रख सकते हैं ए इंटू डी, इसके लिए आवेश के लिए कूलाम, और यहाँ पर मीटर है तो हमने किसे दिखा दिया यल से, क्योंकि दूरी को डायमेंशन में यल से दिखाया जाता है, तो टोटल इसका डायमेंशन क्या निकल गया है यल टी ए, यल टी ए।
तो यर की ये इस प्रकार से ये डायमेंशन इसका निकल कर आ गया। ठीक, तो अब आपका परिभाषा हो गया, आपका फार्मूला हो गया, आपका मात्रक हो गया और आपका डायमेंशन हो गया। इस प्रकार की चीजों को यहाँ पर ये बताया जा रहा है। ठीक, अब यहाँ पर बात आती है कि इसी द्विध्रुव की सहायता से हम क्या करेंगे, इसकी सहायता से अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला डिराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो चूंकि बड़ा डिराइवेशन है उसके लिए एक दिन अलग से समय देना होगा, लेकिन मैं आपको क्या कर रहा हूं कि मैं आपको यहां पर फार्मूला ले लूंगा और आप उसको समझ लीजिएगा कि किस तरीके से यहां पर आगे चलकर हमें डिराइवेशन करना है। ठीक, तो आगे चीजें ठीक यहां पर देखिए। तो अक्षीय स्थिति में यदि बात करें तो फार्मूला होता है हमारा E इक्वल टू 1/4πε0k2πr³ मैं करवाऊंगा आपको डिराइवेशन, ये मैं डिराइवेशन आपको करवाऊंगा। तो E इक्वल टू 1/4πε0k2πr³ न्यूटन पर कूलम, ये अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। और निरक्षीय स्थिति में निरक्षीय स्थिति में क्या करना होगा, निरक्षीय स्थिति में करना ये होगा कि ठीक निरक्षीय स्थिति में करना होगा फार्मूला आपका E इक्वल टू 1/4πε0k p/r³। देख लीजिए अच्छे से, E इक्वल टू 1/4πε0k 2π/r³ और यहाँ पर निरक्षीय स्थिति में E इक्वल टू 1/4πε0k p/r³। यहाँ 2p है और यहाँ p, तो आप देख सकते हैं आराम से फार्मूला दोनों में। तो दोनों में यदि हम इसको E1 माने इसको E2 माने तो क्या रिलेशन निकल कर आ रहा है अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में, ये रिलेशन निकल कर आ रहा है कि E1 इस E2 का दुगना, ध्यान से यहाँ 2 लगा हुआ है, ये 2 यहाँ लिख सकते हैं, तो 1/4πε0k p/r³ का फार्मूला E2 के बराबर है। तो 2 × हम लिख सकते हैं क्या E, ध्यान से देखिए, ये हम लिख सकते हैं कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या है, दुगनी। या दूसरे हिसाब से देखा जाए तो E2 इज इक्वल टू E1/2, माने निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की आधी। तो इससे हम क्या सीखेंगे, इससे हम क्या सीखेंगे, ठीक है, इससे हम यही सीखेंगे कि इस स्थिति और इस स्थिति में क्या मान हो रहा है। ठीक, उसके बाद ही हम आगे चलेंगे। तो आप देखिए कि इस तरीके से इनमें संबंध आ गया, यदि एक मान आपको पता है कि नहीं, यदि E2 का मान निरक्षीय स्थिति में कुछ दिया हुआ है तो आप उसका ट्वाइस कर दोगे तो अक्षीय स्थिति में माना जाएगा, यदि आपको अक्षीय स्थिति का मान पता हो तो उसका हम आधा कर देंगे तो निरक्षीय स्थिति में मान उसका आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, संबंध हो गया। तो इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ ली, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट पढ़ ली, और उसके बाद आपने उसी इलेक्ट्रिक डायपोल की सहायता से अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में ये फार्मूला देख लिया। मैं इस फार्मूले को ड्राइव कराऊंगा लेकिन आगे बढ़े वीडियो में। अब आगे चलता हूँ, युग्म बल और बल युग्म क्या होता है। ठीक है, तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को रखने पर बल युग्म आघूर्ण, जिसे हम क्या कहते हैं, टॉर्क्यू कहते हैं, ठीक, जिसे टाउ से हम प्रदर्शित करते हैं, उसका फार्मूला क्या होगा ये हम जो है देखेंगे। तो आप देख लीजिए इस तरीके से,
तो आप ये देख लीजिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ एक समान वायु क्षेत्र में द्विध्रुव को रखने पर जो उस पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण है वो हम क्या कर सकते हैं। ठीक, जैसे हम टार क्यू कहते हैं, ठीक है, टाउ से दिखा सकते हैं। तो एक समान वायु क्षेत्र का मतलब हम करेंगे आपको हर बार बस दिखा दूंगा इस तरीके से चित्र के माध्यम से। ये एक समान वायु क्षेत्र का मतलब यूनिफॉर्म क्या हो जाएगा, एक समान वायु क्षेत्र का मतलब ये जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ऐसा फील्ड जिसके हर पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, समान होती है, उसे हम एक समान वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो मैं मान लिया कि यहाँ पर एक समान वैद्युत क्षेत्र है, जिसे मैंने इसे लिखा दिया, इसे लिखा दिया, इसे लिखा दिया, इसे लिखा दिया। अब यहाँ पर आगे मैंने यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव रखती है, इसे एंगल पर रखता हूँ, ठीक। अब इसको मैंने यहाँ से कहीं कहीं हम क्या मान सकते हैं, मैं यहाँ पर लाया, कहीं आप की टाइस को ले सकते हैं। अब इस बिंदु के चार्ज होता है, यहाँ पर मैंने कर दिया कि बिंदु ए है और यहाँ पर बी है, तो यहाँ पर प्लस चार्ज है और यहाँ पर माइनस चार्ज है। तो ये वैद्युत द्विध्रुव तो हो गया जो माइनस क्यू से प्लस क्यू है और उनके बीच की दूरी भी है, तो उनके बीच की दूरी को हमने इसे दिखाई है, टू जल से यहाँ पर दिखा दिया, देख रहे हैं, दिखा दिया। अब आप देख लीजिए यहाँ पर इस तरीके से चीजें बनी हुई हैं, दूरी हो गई सारी चीज। तो यहाँ पर जब हम वैद्युत द्विध्रुव को रखेंगे तो वैद्युत द्विध्रुव को रखने पर यह एक समान वैद्युत क्षेत्र इस पर एक फोर्स लगाएगा जिसे हम कूलम फोर्स कहते हैं। तो चूंकि बल युग्म का मतलब क्या होता है कि दो बराबर बल लगे लेकिन विपरीत दिशा में, यदि मैं इसको इस तरीके से बल लगाऊंगा तो जितना पोर्शन ही नीचे आ रहा है ठीक उतना ही पोर्शन ही ऊपर की तरफ जा रहा है, माने बराबर बल परंतु विपरीत दिशा में जो बल लगते हैं उसी को हम युग्म बल कहते हैं। माने बराबर बल रहे और विपरीत दिशा में उसको कहेंगे बल युग्म, लेकिन दो बल रहे बराबर दिशा में न रहे वो युग्म बल, युग्म बल का मतलब जोड़ा बल, लेकिन यदि बराबर बल है परंतु विपरीत दिशा में है तो उसे हम क्या कहेंगे, बल युग्म। तो इसी बल युग्म आघूर्ण को कार्यक्रम में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसका मतलब मैंने बताया गया कि नीचे वो उतना ऊपर फोर्स काम करेगा, ठीक। तो इस प्रकार से चीजें होंगे। तो यहाँ पर यदि बल आगे की से काम कर रहा है तो कहेंगे यहाँ पर भी बल काम करेगा इस दिशा में और इस दिशा में, और इस द्विध्रुव को वह एक समान वैद्युत क्षेत्र में संरेखित रखने का प्रयास करेगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर जो हम देख सकते हैं कहीं भी आप इसको कर लीजिए, यहाँ भी संपूर्ण दूरी बनाएंगे, यहाँ कर लीजिए इस चीज़ को, यहाँ दिखा कर यहाँ दिखा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोण के सामने वाली भुजा जो होती है उसे हम लंब कहते हैं, ये कर्ण हो गया और ये क्या हो गया आकार। तो एक बल युग्म आघूर्ण का फार्मूला जब हम निकालना चाह रहे हैं कि वो क्या होगा, तो हम जानते हैं कि बल युग्म आघूर्ण को हम टाउ से दिखाते हैं और ये बल गुणे दोनों क्या हो गया, कार्तिक बल गुणे गुणन अक्ष से क्रिया रेखाओं की लंबवत दूरी, ध्यान समझिए इतना बड़ा लिखूंगा नहीं मैं, ये कार्क्यू टाउ बल युग्म आघूर्ण क्या हो गया, एक प्रकार का जो बल हो गया, चाहे आप क्यू ही ले सकते हो, यहाँ से देखोगे तो यह बराबर क्यू ही समझ में आएगा प्लस क्यू, और यहाँ से देखोगे तो माइनस क्यू ही समझ में आएगा। तो दोनों प्रकार के बल में से एक बल ले लीजिए और दोनों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी ले लीजिए, दोनों को क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो शॉर्ट में मैं लिखूंगा बल पूरे दोनों क्रियाओं के बीच की लंबवत दूरी, तो यहाँ पर लंबवत लंबवत दूरी मैंने लिख ली, ठीक। तो एक प्रकार का बल या पॉइंट टू उनके बीच की लंबवत दूरी, तो लंबवत दूरी का मतलब क्या होगा, देखिए हम लगा सकते हैं यहाँ से आपको दिखा दे रहा हूँ साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब की दूरी ये है लंबवत दूरी और बटे कर्ण का मान टू एल, तो लंब का मान यार कितना हो जाएगा टू एल साइन।
तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो इस लंब से यहां से और यहां के बीच की जो ये दूरी है वो लंबवत दूरी है, तो उस लंबवत दूरी को मैं देखूं तो 2l sin थीटा निकल के आता है। तो यहां पर मैं बल के लंबवत दूरी में इस 2l sin थीटा की वैल्यू को रखूंगा, यहां पर मैंने रख दिया 2l sin थीटा। देखिए सूत्र निकाल लिया हमने, f * 2l sin थीटा। तो f क्या, यहां फोर्स है, और फोर्स से दिखा रहा है कि यह हमारा फोर्स कल मैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले से लूंगा, तो मैंने वहां बताया है कि E = f / q, आपको ये बताया गया है E = f / q, तो f = qe, q * e, तो यहां पर मैं रख सकता हूं tau = q / e * 2l sin थीटा। tau = 2ql, एक साथ लिखो 2ql, और ये हो गया e sin थीटा। ध्यान दीजिए e sin थीटा और यहां 2ql, तो tau = p, इसका मान p होगा वैद्युत द्विध्रुव, क्योंकि द्विध्रुव रखा है तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की वैल्यू को हमें लिखनी ही पड़ेगी, तो हम p यहां पर हो गया और यहां पर e sin ताते लिए एक फार्मूला है tau equal to pe sin थीटा, ये हमारा फार्मूला है कि जब हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो pe sin थीटा होता है। यदि वैल्यू यहां से निकाला जाए तो कोई पूछे कि नहीं यूनिट आप बताइए, तो यूनिट यहां से यदि निकाला जाए तो स्वाभाविक बात है कि यहां से देखना मुश्किल हो जाता है, तो हम यहां से देख लेते हैं बल और लंबवत दूरी, तो फोर्स का हो गया न्यूटन और दूरी का हो गया मीटर, तो आप लिख सकते हो न्यूटन मीटर यहां से, तो बलयुग्म आघूर्ण का यहां पर मात्रक हो जाएगा, टाउ का जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन मीटर। और डायमेंशन की बात कर लें, विमा की बात कर लें, तो यहां पर न्यूटन का मतलब है m / l / t / -2 मीटर का l, तो न्यूटन बल का हो गया, ये फोर्स का हो गया और ये इसका हो गया, दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से मिला देंगे तो कितना हो जाएगा आपको दिखाई देगा m / l / t / -, ठीक यहां ऊपर लिख रहा हूं m, ये देखिए l / l स्क्वायर हो जाएगा और t / -, ये इस तरीके से जो है डायमेंशन आप निकाल सकते हो न्यूटन मीटर का, गुलाम बल है और यहां पर बल है और यहां लंबवत दूरी, तो बल का m / l / t / -2 मीटर है, तो l हो गया m / l स्क्वायर t / -2, या फिर केस कोई कहीं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए बताइए, वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, tau equal to, हम पढ़ कर आ रहे हैं इधर में a क्रॉस b equal to ab sin थीटा, तो यहां पर क्या हो जाएगा p क्रॉस e equal to pe sin थीटा, तो tau वेक्टर फॉर्म में लिखें तो tau equal to p क्रॉस e, tau equal to p क्रॉस e, और इसी को जब खोल देंगे तो pe sin थीटा आ जाएगा, तो ये आपका एक प्रकार से समझ लीजिए, ठीक है, ये आपका जो हो गया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल की हर छोटी बड़ी चीज़ों को बड़े अच्छे ढंग से समझाया गया है, स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग भी इसको नोट किया कर लिया कीजिए कॉपी में, ठीक है, फिर बाकी आगे की वीडियो में और भी नई चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है।